सेतु की रक्षा कौन करेगा? चोकोबार दे दो कि कप में दे दो भैया। सिरिंज हम लोग लेके आए हैं, सिरिंज में सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना ब्लड देंगे, उस खून से हम लोग अपना मेमोरेंडम लिखेंगे। भाइयों, बेरोजगार करने वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शर्म करे। तलाक भी नहीं होने दिया गया, जिंदगी भर का खर्चा देने के लिए मजबूर किया गया मुझको। गांधी जी का तरीका है, यहाँ पे धरना शुरू किया। ये कैमल है, आपने जू में ऊंट देखा है? नहीं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। कब्रिस्तान बहुत जरूरी चीज है, जिस इंसान ने पैदा हुआ है उसने मरना जरूर है, तो उसके दफन होने के लिए जगह भी जरूर चाहिए। ये दीवार जैसी लग रही है, ना लकड़ी की दीवार है ना सीमेंट की, ये मिट्टी की दीवार है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मर गए। है तो दीवार ये, किंतु ये टेढ़ी लग रही है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो हम जगह जगह गांव गांव में पुतले फूकेंगे। ये तो भैंस जैसी लग रही है कुछ, ये भैंस ही आकार में तो बहुत बढ़िया है। राम सेतु जो तोड़ा जा रहा है, इतना ही नहीं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट लगेगी। 600 प्रकार के जीव जंतु समुद्र में हैं, नारी शक्ति का प्रदर्शन है। ओम शांति शांति। पावरफुल चीज तो है ये धरती पे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, कोई जानवर नहीं इससे बड़ी चीज आती है। ये इंसान से तो हर चीज हारी हुई है, पेट के लिए तो हर ये इंसान को संभालना ही पड़ता है, हर खतरे से खेलता है। हमारे बच्चे पल रहे हैं इससे, हमारी रोजी रोटी चल रही है इससे, हमें फायदा ही है हमारा इससे चलने का। क्योंकि इसका आकार,
चमड़ी वगैरह छूने से कोई बड़ी की भैंस लग रही है। वैसे तो फिर बहुत ऊंचा हाइट है ना, आगे से डर लग रहा है ना उसका। क्या है ये तो? एलिफेंट है। इसके दांत नहीं है? कहाँ गए इसके दांत? तो एलिफेंट ही लगता है। गाय गाय हो नहीं सकती इतनी हाइट में। इसको देखने का मन करता है।